नमस्कार, इंडिया एट नाइन में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बेहद अहम खबर से, जिसको लेकर काफी चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन इस बार ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। पेपर लीक के आरोप और छात्रों के बवाल के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने की बात कहकर छात्र पिछले कई दिनों से लखनऊ से लेकर झांसी तक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद योगी सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया और अब 6 महीने में फिर से परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करने के बाद छात्रों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। 17 और 18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में परीक्षा हुई थी। 60,244 पोस्ट के लिए हुई इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान कई सॉल्वर और उनकी गैंग से जुड़े लोग पकड़े गए थे। इन युवाओं के चेहरे पर खुशी है, ये यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद ये हताश थे, नाराज थे। लेकिन योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। मैं इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जश्न का माहौल है। यहाँ पर पुलिस की भर्ती निरस्त कर दी गई है। अब 6 महीने के अंदर री एग्जाम करने की बात हुई है। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने 5 साल से तैयारी कर रही हूँ सर, मैंने बहुत सीरियस तैयारी की सर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर, मैं ही जानती हूँ कि स्टूडेंट का कितना दर्द होता है। देखिए, जो परीक्षाएं निरस्त हुई है ये तो धन्यवाद के पात्र है, लेकिन उस योगी सरकार को नकल माफियाओं पे शिकंजा कसना होगा, जिससे आगे आगामी कोई परीक्षा। सरकार के नोटिस में ये भी बोला गया है कि सख्त कार्रवाई होगी। जी कार्रवाई करना चाहिए, जिसने भी नकल किया है और करवाया, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतिभागियों को लग रहा था कि उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अब योगी सरकार ने परीक्षा 6 महीने बाद फिर से कराने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एसटीएफ का भी गठन किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रतिभागियों के आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम किया जाएगा। आज मैं अपने गुरुजनों से बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सिर्फ एक लोगों का फैसला नहीं था, सिर्फ वहाँ 5 लोग नहीं गए थे बल्कि हमारे 50 लाख बच्चों की ये भर्तियाँ थी, जो कि सरकार इस चीज को रोकना चाहती थी, लेकिन आज मैं अपने गुरुजनों से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हमारे गुरुजनों ने बहुत ही साथ दिया, हमारे भाइयों बहनों ने सबने बहुत साथ दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। सर मैं बहुत खुश हूँ कि ये पेपर कैंसिल हो गए और लोगों को न्याय मिला। री एग्जाम को जान के सर इतनी ज्यादा खुशी हुई कि हम लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली वालों को दोबारा चांस मिला। करीब 60,000 पदों के लिए करीब 48 लाख लोग परीक्षा में शामिल हुए थे। पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, लाखों युवाओं का भविष्य इसके चलते दांव पर लग जाता है। इन लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी। लखनऊ से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट। और अब कुछ चुनावी खबरें देखते हैं। सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं, ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 29 फरवरी को हो सकती है। इस बैठक के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नाम शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की पहली लिस्ट में 80 से 100 उम्मीदवारों के नाम भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। दोनों पार्टियों ने तय किया है कि कम से कम 5 जगह पर दोनों मिलकर बीजेपी को चुनौती देंगे, लेकिन किस तरह से ये गठबंधन परवान चढ़ा और क्या वाकई ये दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को चुनौती दे पाएंगी? नाना करते हुए पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया, वो भी अकेले दिल्ली नहीं, कुल 5 जगहों पर। दिल्ली की कुल 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और नई दिल्ली। 3 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और चांदनी चौक। गुजरात की 2 लोकसभा सीट भरूच और भावनगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी है। भरूच दिग्गज कांग्रेस नेता रहे अहमद पटेल की सीट रही, लेकिन उनके परिवार के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने ये सीट आम आदमी पार्टी को देने का बड़ा फैसला किया। तो आम आदमी पार्टी ने भी चंडीगढ़ जैसी मजबूत माने जा रही सीट कांग्रेस को दे दी।
गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दक्षिण गोवा की सीट पर आप उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, उसका नाम वापस लिया जाएगा। बदले में हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। बस पंजाब की सभी सीटों पर दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। जिस तरीके से पूरी देश की जनता बेरोजगारी महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। जाहिर है अपने खिलाफ बनने वाला इंडिया गठबंधन बीजेपी को पसंद नहीं आया। क्या गठबंधन में दलों के मिलने से दिल मिल जाते हैं? और अगर दिल नहीं मिलते राजनेताओं के, तो क्या जनता को ये मिला पाएंगे? खास तौर पे जब इनका मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेतृत्व लेड भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हो। वैसे सवाल यह भी है कि दोनों पार्टी मिलकर अपने शिखर पर चल रही भाजपा को कितनी चुनौती दे पाएगी। अगर दिल्ली का उदाहरण ले लें तो 2019 में बीजेपी को लगभग 57% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट मिला दें तो आंकड़ा 41% तक पहुंचता है, जबकि 2014 में बीजेपी को करीब 46% वोट मिले थे। और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अलग अलग मिले वोट जोड़ दिए जाएं तो उनका आंकड़ा 48 तक पहुंचा था। हालांकि हर चुनाव अलग होता है, इसलिए एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मौजूदा समय में बेहद शक्तिशाली मानी जा रही भाजपा को हराने की कोशिश में लगी है, तो वहीं भाजपा भी अपने विरोधियों को हल्के में लेने की भूल कतई नहीं कर रही। हाथ में झाड़ू है या झाड़ू हाथ में आ गई है, ये दिखने में तो बहुत आसान है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसको दोनों पार्टियां कैसे लागू करवाएंगी, कैसे दोनों पार्टियां वोट ट्रांसफर करवाएंगी, ये दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पहली बार दोनों पार्टियों का ये गठबंधन हुआ है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अशोक महले के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस और आप के बीच हुए गठबंधन के तहत गुजरात की भरूच और भावनगर सीट से अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। भरूच सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल का गढ़ मानी जाती रही है। उनकी बेटी और बेटे को यहां से कांग्रेस का टिकट मिलने का भरोसा था, लेकिन ये सीट आपके हिस्से में जाने से अहमद पटेल की बेटी मुमताज और बेटे फैसल निराश हैं। इस ऐलान के बाद मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट की। उन्होंने कहा कि पिता की 45 साल की विरासत को यूं ही नहीं जाने देंगी, साथ ही उन्होंने खुद को भरूच की बेटी भी बताया। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि गठबंधन में भरूच लोकसभा सीट नहीं ले पाने के कारण अपने जिले के कार्यकर्ताओं से माफी मांगती हूं। आपकी निराशा में साथ हूं। हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए फिर से संगठित होंगे। हम अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को बेकार नहीं जाने देंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल के बेटे फैसल ने कहा कि इस सीट के साथ पटेल परिवार की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उम्मीद थी कि उन्हें समझा जाएगा। मुझे उन पे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी जो फैमिली, पटेल फैमिली की जो इमोशंस है इस सीट के साथ, वो ज़रूर समझेंगे और ये डिसीजन वापस समझ के ही वापस आगे बात बढ़ेगी। जैसे आपने देखा कल राहुल गांधी जी ने ये डिसीजन डिले कराया, मैं मानता हूं कि ये अभी भी रिवर्स हम ये डिसीजन कर सकते हैं। और कुछ और खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में शनिवार को हुए बड़े हादसे में 22 लोगों की मौत हुई है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रोली के तालाब में पलटने से यह हादसा हुआ। मरने वालों में 10 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल हैं। ये सभी लोग ट्रैक्टर ट्रोली पर सवार होकर गंगा स्नान करने जा रहे थे। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर से इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की मदद मिलेगी।
हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। उत्तराखंड पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं और काफी कोशिशों के बाद पुलिस उस तक पहुंचने में कामयाब रही। बनभूलपुरा में 8 फरवरी को अवैध मदरसा तोड़ने के बाद जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब्दुल मलिक हिंसा के बाद से फरार था। संदेश खाली, यौन उत्पीड़न और ईडी की टीम पर हमले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा शाहजहां शेख अब तक फरार है। उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक शाहजहां शेख पर 3 लोगों की हत्या का आरोप है। इन मामलों में जो एफआईआर हुई उनमें तो शाहजहां शेख का नाम है, लेकिन जब चार्जशीट फाइल हुई तो उसका नाम गायब हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उसे कौन बचा रहा है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले, जमीन कब्जाने, महिलाओं के साथ यौन शोषण और ईडी की टीम पर हमला करने के आरोपी शाहजहां शेख को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उस पर हत्या के 3-3 आरोप हैं और जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उन एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर उसका नाम है, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। जो हत्या का पहला मामला है वो 8 जून 2019 का है, जब देवदास मंडल को उसके घर से अगवा कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बाद में उसका शव बरामद हुआ और डीएनए प्रोफाइलिंग से उसकी पहचान हुई। देवदास मंडल की पत्नी ने जो एफआईआर लिखाई उसमें 23 आरोपियों के नाम थे, जिसमें पहला नाम शाहजहां शेख का है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की तो शाहजहां शेख का नाम गायब कर दिया, यानी कि चार्जशीट में उसको आरोपी नहीं बनाया, बल्कि उन लोगों के नाम लिखे जिनके नाम उस एफआईआर में थे ही नहीं। इसके बाद हत्या का दूसरा मामला 8 जून 2019 को ही है, 19 का ही है, जहां जो प्रदीप मंडल और सुकांता मंडल जो कि अपनी गारमेंट्स की दुकान में बैठे हुए थे, वहां पर आरोप यह है कि शाहजहां शेख अपने गुर्गों के साथ वहां पर आया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से दोनों को, सुकांता मंडल और प्रदीप मंडल को, गोली मार दी और उनकी आंखें बाहर निकाल ली। इस मामले में भी सुकांता मंडल और प्रदीप मंडल की पत्नियों ने जो एफआईआर लिखाई थी उस एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर शाहजहां शेख का नाम था। लेकिन इस केस में भी जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की तो उस चार्जशीट से उसका नाम गायब हो गया और उन लोगों के नाम लिखे गए जिनका नाम उस एफआईआर में नहीं था। इस केस में 5 आरोपी अब तक फरार हैं। वहीं एक और उस पर मामला है, वो मामला है बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का। इस केस में भी वो आरोपी है और कोर्ट से उसके खिलाफ वारंट निकला हुआ है। इसके बाद भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया था। तो सूत्रों के मुताबिक जो ये तीनों लोग मारे गए, जिसमें सुकांता मंडल, प्रदीप मंडल और देवदास मंडल, ये तीनों बीजेपी की कार्यकर्ता थे और 2019 में जब बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव जीता तो उस चुनाव के दौरान इन तीनों ने चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आरोप यह है कि जो शाहजहां शेख है वो टीएमसी का बाहुबली कार्यकर्ता है और अभिषेक बनर्जी का काफी करीबी है, इसीलिए आरोप यह है कि उसने इन तीनों लोगों की हत्या कर दी, क्योंकि ये बीजेपी का कार्यकर्ता थे और इन्होंने चुनाव के दौरान बीजेपी का चुनाव प्रचार किया था। इससे शाहजहां शेख चिढ़ गया था, नाराज हो गया था और उसने इनकी हत्या कर दी। तो इस मामले को लेकर जो तीनों मृतक हैं उनकी पत्नियां कोलकाता हाईकोर्ट गई हैं और उन्होंने मांग की है कि जो ये मामले हैं हत्या के, इसमें सही जांच की जाए और जो शाहजहां शेख है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
ईरान ने एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में आतंकी संगठन के एक कमांडर समेत कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले ईरान ने 16 जनवरी को भी पाकिस्तान की सीमा में मिसाइलों के जरिए हमला किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान में 48 किलोमीटर अंदर एयर स्ट्राइक कर जवाबी हमला किया था। बाद में दोनों देशों के बीच आतंक पर सहमति की बातचीत कर उसको निबटने की सहमति बनी थी, लेकिन एक बार फिर से ईरान ने अब पाकिस्तान की सीमा के अंदर आकर ये कार्रवाई की है। अल्लाहु अकबर। गुलमर्ग एक बार फिर से बर्फ से गुलजार हो गया है। हाल ही में आए तूफान से लोग थोड़ा डरे, लेकिन अब वापस सैलानियों की रौनक दिखने लगी है। गुलमर्ग की बर्फीली ढलानों पर फिर से स्कीइंग शुरू हो गई है। एक दिन पहले ही आए एवलांश से एक रूसी महिला की मौत हो गई थी और उसके 6 साथी जख्मी हुए। अब यहाँ नौजवानों से लेकर पेशेवर स्कीयर्स तक की हलचल फिर से शुरू हो गई है। सब कुछ आराम से हो रहा है, स्कीयर्स फिर आ गए हैं। ये तो रोमांच का एक हिस्सा है। बर्फ का ढेरों का ढलानों से फिसलना तो होता ही रहता है। हमें बस एहतियात करनी चाहिए और निर्देशों का पालन करना चाहिए। हाल ही में गुलमर्ग में खूब बर्फबारी हुई है, जिसके बाद से गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स से गुलजार हो चुका है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए सैकड़ों लोग यहां जमा हुए हैं। इनमें 4 भारतीय ओलंपियन भी हैं, जिनमें कश्मीर के आरिफ खान और हिमाचल प्रदेश के चुनी लाल ठाकुर भी शामिल हैं। गुलमर्ग इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। गुलमर्ग सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल है और स्कीइंग के लिए बेहतरीन है। हमें इस स्की रिजॉर्ट को भविष्य के लिए विकसित करना है। इसके लिए सुविधाएं, स्नोबोर्डिंग मशीनें आदि लानी होंगी। युवा स्कीयर्स यहां आ रहे हैं, मेडल जीतने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये हम सब के लिए एक अच्छा मौका है। मुल्क भर से सैकड़ों एथलीट यहां गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग ले रहे हैं। गुलमर्ग के इन्हीं ढलानों पे भारत के फ्यूचर ओलंपियंस को तैयार किया जा रहा है। लेकिन एथलीट्स का ये कहना है कि गुलमर्ग को बुनियादी ढांचे के मामले में अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। गुलमर्ग से कैमरामैन आमिर के साथ नज़ीर मसूदी, हिंदी टीवी। रूस और यूक्रेन की जंग के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं और दूसरे देशों में रिफ्यूजी की जिंदगी बिता रहे हैं। 60 लाख से ज्यादा यूक्रेन के लोग बेघर हो गए हैं। 10,000 से ज्यादा आम लोगों की मौत हुई है। 18,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो इंडिया एट 9 में आज इतना ही। नमस्कार।